दोस्तों, अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस औरंगाबाद और गया जैसे शहरों में या गांव में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो ये आप ही के लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं हर वो तरीका बताऊंगा और हर उस चीज़ों को समझाऊंगा जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को हमेशा देखना चाहिए और समझना चाहिए। और जो लोग किसी भी बिजनेस को सही जानकारी और सही इन्फॉर्मेशन लेकर बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं वही फेल हो जाते हैं। सो, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं वो किस प्रकार का जो है पेपर प्लेट मशीन लगाएंगे और जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं वो किस प्रकार का पेपर प्लेट मशीन को जो है लगाएंगे, इन सभी चीज़ों को मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा। कितना जगह, कितना बिजली, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कमाई, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा डिमांड। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो है औरंगाबाद और गया जैसे शहरों में जो है पेपर प्लेट का कितना डिमांड है, इसकी जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है वो है डिमांड रिलेटेड मशीन, यानी कि जिस भी एरिया में हम मशीन को लगा रहे हैं उस एरिया में क्या डिमांड है और उस डिमांड रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस मशीन से सही प्रकार का जो है निकलेगा, सही बन के निकलेगा, उसके लिए कौन सा मशीन कम पूंजी में बढ़िया मशीन कौन रहेगा, इसकी जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड है हमारा डिमांड रिलेटेड रॉ मटेरियल। किसी भी बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग होता है। अगर आप सही रॉ मटेरियल नहीं परचेज करते हैं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका भी क्वालिटी सही नहीं बन पाता है। सो रॉ मटेरियल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो रॉ मटेरियल की मैं सारी सच्चाई को इस वीडियो में बताऊँगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में बताऊँगा। सो रॉ मटेरियल वाला पार्ट तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि मशीन की ख़रीदारी आप कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है। नया मशीन तो जो है नया मशीन के बारे में जो नया लोग है वो बिल्कुल अननोन है, अजनबी है। उस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे चालू करना है, ये सब का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो ये सब ट्रेनिंग उनको कहाँ मिलेगा। और अगर उद्यमी योजना और PMEGP योजना के तहत लोन हो रहा है उसके लिए कोटेशन चाहिए तो कोटेशन कैसे प्राप्त होगा, इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट पे दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है वो है अर्निंग एंड मार्केटिंग, यानी कमाई और बेचने का तरीका क्या है, कैसे जो है हम अपने मार्केट को पकड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं और उससे हम मुनाफा कमा सकते हैं, इसकी जानकारी मैं लास्ट यानी पाँचवें पॉइंट में दूंगा। सो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों, अब जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डिमांड। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, गांव हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, तो औरंगाबाद और गया जैसा ज़िलों के लिए जो है वो ये चीज़ जो है वो काफ़ी डिमांड में है। जैसे थाली, दोना, प्लेट, छोटा वाला डोना और बफर प्लेट, ये सब आइटम जो है कहीं ना कहीं जो है उपयोग होता ही होता है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि औरंगाबाद में ये चीज़ चलता है या गया में ये चीज़ चलता है। तो भाई, मैं अपने YouTube चैनल पे पेपर प्लेट मशीन को सेट करने का सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। लोग मुझे इनवाइट करते हैं मशीन को सही करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं उनके यहाँ अगर उनके एरिया में जाता हूँ तो वो सारी बातें को बताते हैं कि वो कैसे जो है मशीन को लगाए, कैसे मार्केटिंग किए, कैसे शुरुआती दौर में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन सभी चीज़ों से मुझे नॉलेज हो जाता है कि अगर इस टाइप के एरिया में कोई लोग स्टार्ट करने चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मुझे अपने नॉलेज के आधार पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, जिसमें देखिए थाली का डिमांड रहता है। थाली में देखिए भोजन
में देखा जाए तो भोजन करना है तो थाली का उपयोग होता है। ढाबा में अभी जो है 50% ढाबा में अब जो है स्टील वाला बर्तन हटा के और क्या किया जाता है कि पेपर वाला थाली का ही जो है उपयोग किया जाता है होटलों में, पार्टी फंक्शन में, शोक सभा में। उसके बाद इस मशीन का आइटम है दोना, जो प्रसाद वाला जो दोना होता है, जो प्रसाद खाते हैं या भोज भात में सब्जी खाते हैं या फिर मोमोज इत्यादि में दोना का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है वो है प्लेट, प्लेट का उपयोग मोमोज, चाट, चाउमीन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल वाला जो है डोना, मतलब छोटा वाला डोना का उपयोग कहाँ होता है, तो छोटा वाला डोना का उपयोग जैसे कि आप लोग देखते हैं ना कि शहर में या गांव में गोलगप्पा जो बेचते हैं या जिसको फूचका बोलते हैं तो या पानी पूरी बोलते हैं, तो उसको जो है उसी कटोरी में रख के वो देते हैं। उसके बाद आता है बफर। अब बफर क्या होता है, जैसे देखते हैं ना बॉक्स सिस्टम भोज में हाथ पे रख के खाना खाने वाले प्लेट को हम बफर प्लेट कहते हैं, तो ये चलने वाला आइटम है। तो देखिए इतना डिमांड है ना इस बिजनेस को, अगर करते हैं तो इसमें इतना प्रोडक्ट है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट को आप बेच करके सेल करके मुनाफा तो आप कमा ही लीजिएगा। देखिए कंपटीशन है तो डिमांड भी उतना ही ज़्यादा है। और देखिए अब साइज की बात की जाए तो औरंगाबाद में साइज क्या चलता है, तो देखिए अगर औरंगाबाद में थाली की साइज की बात किया जाए तो थाली वहाँ चलता है 12 इंच का। अब देखिए 12 इंच का थाली चलता है और कोई लोग वहाँ 13 इंच का जो है वो डाई खरीद लेंगे, तो एक इंच उनका तो जा रहा है ना, एक इंच बड़ा पेपर लगा रहे हैं और पीस कम निकल रहा है, तो फेल होने का कारण यही होता है कि मार्केट के डिमांड को नहीं समझते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, खरीदना है कोई मशीन कोई डाई और ख़रीद लेते हैं कोई डाई और कोई मशीन, इसीलिए वो जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो 12 इंच का थाली चलता है ना, आपका 6 इंच का चलेगा, प्लेट आपका 7 इंच का चलेगा, स्मॉल डोना आपका 4 या 5 इंच का चलेगा और बफर 13 इंच का चलेगा। बफर अभी कोई भी एरिया है, बफर प्लेट आपका 13 इंच का ही ज़्यादातर जो है मार्केट में मांग होता है। तो ये है डिमांड। अब आइए हम डिमांड रिलेटेड मशीन की जानकारी लेते हैं। तो देखिए पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्टिंग करने के लिए दो टाइप का मशीन आता है। फर्स्ट में आता है क्रैंक मॉडल की मशीनें, सेकेंड में आता है हाइड्रोलिक मॉडल की मशीनें। क्रैंक मॉडल के मशीनें भी बहुत प्रकार की आती है, जैसे सिंगल डाई, डबल डाई, सिंगल डाई डबल ब्लॉक, सिंगल डाई 14 इंच बेलन में, 13 इंच बेलन में, चैनल बॉडी में, एंगल बॉडी में, मतलब कि हर तरीके का आता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझिएगा कि बेलन क्या होता है, तो बेलन पेपर खींचने का जो है सिस्टम लगा हुआ रहता है मशीन में, जिसके माध्यम से पेपर को खींचता है। अगर गया और औरंगाबाद जैसे ज़िलों में अगर 12 इंच का थाली है, जैसे 4 इंच से लेके 12 इंच तक प्रोडक्ट बनाना है या 13 तक, वहाँ अगर हम 10 इंच बेलन वाला मशीन ख़रीद लेते हैं, लोग सोचते हैं कि वहाँ 25,000 में 35,000 में मशीन मिल रहा है ले लेंगे और उससे हम सफल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें बेलन कितना इंच का लगा हुआ है। तो यही होता है कि इस तरीके का जो जगह है जहाँ 12 इंच तक हमको प्रॉपर थाली बनाना है, वहाँ कम से कम 13 इंच बेलन या 14 इंच बेलन वाला मशीन हमको चाहिए। अब देखिए ये तो हुआ क्रैंक मशीन, अब ऑल इन वन क्या होता है, तो देखिए ऑल इन वन नाम से ही आप समझ जाइए कि इसमें पेपर प्लेट का और चप्पल का कोई भी आइटम आप बना सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल इन वन। तो ऑल इन वन मशीन, जैसे देखिए आप पतला वाला आइटम तो सारा बना लीजिएगा क्रैंक मशीन में, लेकिन जो बफर थाली है ये क्रैंक मशीन में तो बन जाएगा लेकिन क्वालिटी आपका सही नहीं निकलेगा, तो इसी के लिए आता है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। अब ऑल इन वन भी जो है वो बहुत प्रकार का आता है, जैसे सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, इसमें भी बेलन आता है 16 इंच, 18 इंच, 30 इंच, 32 इंच, इसमें सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई आता है, सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई आता है, सिंगल सिलेंडर डबल डाई आता है, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई आता है और डबल सिलेंडर डबल डाई आता है। तो इसमें भी हर मॉडल आता है, काम सब सेम ही करता है लेकिन मॉडल अलग अलग है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सब मॉडल को हम कहाँ जा कर देख सकते हैं, तो इस सब मॉडल को आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में जा कर देख सकते हैं, वहाँ आपको हर चीज़ों की जो है जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए अब बात आती है कि भाई गया और औरंगाबाद जैसे ज़िलों में हम
कौन सा जो है मशीन खरीदे। तो देखिए मशीन खरीदने की जब बात आती है तो यहाँ पूंजी भी डिपेंड करता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि क्रैंक मॉडल की जो मशीनें आती है वो सस्ती आती है, यानी वो आप मतलब 35 से लेके और 50 के बीच में भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक मैकेनिज्म की जो मशीन आती है वो 65,000 से लेके 1,20,000 रुपए के लिए। तो आप लोगों का सवाल हुआ कि लेना कौन सा, तो देखिए हाइड्रोलिक में बफर के अलावा जितना भी प्रोडक्ट जो गया और औरंगाबाद जैसे जगहों पे डिमांड है वो क्रैंक में बन सकता है। तो अगर आप गाँव से है और बफर प्लेट का डिमांड आपका कम है तो आप शुरुआती दर में जो है आपका जैसे पूंजी का अभाव है तब आप क्रैंक मशीन लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आगे इन्वेस्टमेंट में मैं कितना पैसा लग जाएगा इसका भी जानकारी दूंगा, तो आप क्रैंक मशीन। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और आप सारा आइटम को बनाना चाहते हैं तब आप एक ऑल इन वन से स्टार्ट कीजिए ताकि मार्केट के हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल इन वन ले लिए तो आप उसी को चलाइए, बाद में आप एक क्रैंक मशीन रखिए ताकि उस पर छोटा आइटम बन सके और हाइड्रोलिक पे बफर और फैंसी आइटम बन सके, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन छोटे आइटम का प्रोडक्शन बहुत कम करती है। तो पूंजी के अनुसार किनको क्या लेना चाहिए ये भी बता दिया हूँ। अब आइए मशीन में, तो हम जान गए कि ऑल इन वन ले लेंगे या फिर क्रैंक मशीन लेंगे। अब इसमें रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, तो रॉ मटेरियल के लिए देखिए 12 इंच का थाली है, 6 इंच का डोना है, 7 इंच का प्लेट है, 4 या 5 इंच का स्मॉल डोना है, बफर थाली। तो रॉ मटेरियल आता है तीन प्रकार में से सबसे फर्स्ट जो आता है वो रोल बंडल आता है, सेकेंड में आता है वो सर्कल आता है, और थर्ड में आता है वो आता है हमारा क्या, तो थर्ड में आता है हमारा वो बफर शीट आता है। देखिए जितना भी क्रैंक मशीन पे जो हम लोग 12 इंची का थाली, 6 इंच का डोना, 7 इंच का नाश्ता प्लेट और 4.5 इंच का डोना बनाएंगे ये सब हमारा रोल से तैयार होगा। मतलब उसमें रोल लगेगा और रोल के बेलन खींचेगा और डोना थाली नाश्ता प्लेट बन के आगे आएगा। लेकिन वही अगर बफर थाली की बात की जाए तो बफर थाली रोल से नहीं बनेगा, बफर थाली जो बनता है वो सीट से बनता है, यानी उसका इस प्रकार का सीट आता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें GSM आता है। GSM क्या होता है, GSM का माने थिकनेस। अगर इसको पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए। तो डिमांड के अनुसार आप मटेरियल भी ले सकते हैं, थिकनेस आप मार्केटिंग देख लीजिए कितना थिकनेस में लेना है। आपको हर साइज में पेपर जो है कटा हुआ मिल जाएगा इसका, और जैसे 12 इंच है तो 12 इंच का रोल मिलेगा, 6 इंच है तो 6 इंच का रोल मिलेगा, 7 इंच है तो 7 इंच का रोल मिलेगा, और 5 इंच है या 4 इंच है तो 5 इंच का रोल मिलेगा। तो इसी तरीके से इसका रॉ मटेरियल आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं, फिर मशीन को कहाँ से परचेज करनी है और उसका हमें ट्रेनिंग कैसे मिलेगा इसकी जानकारी देंगे। तो देखिए अगर मैं अलग अलग तरीकों से समझाता हूँ कि कोई अगर ऑल इन वन मशीन को लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और कोई अगर क्रैंक मॉडल की मशीन लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑल इन वन से अगर कोई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको कितना जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा ये मैं बताता हूँ। तो देखिए ऑल इन वन मशीन कई मॉडल में आते हैं, जैसे मैं बताया ना कि सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, सिंगल डाई जो है डबल डाई डबल सिलेंडर, और सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, बहुत मॉडल में आती है जो लगभग 75,000 से लेकर के और 1,20,000 तक की आती है। मैं सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई चैन मॉडल बेस्ट क्वालिटी का जो है क्रम्पटन मोटर में अगर बात की जाए तो 85,000 रुपया मान के चलता हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज के हिसाब से, जिसका मार्केट प्राइस है 95,000 से 1,00,000 रुपये तक ही मशीन आपको मार्केट में मिलेगा, जिसका मैं केवल 85,000 एक डाई के साथ मशीन आएगा। अलग अलग एक डाई से तो काम नहीं चलेगा, डाई हमारा 3-4 पीस है तो अलग अलग डाई जो है 10,000 से 12,000 रुपये का आएगा, जिसमें मैं 10,000 मान के चलता हूँ। उसके बाद 20,000 का कम से कम रॉ मटेरियल मैं मान लेता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल आप अपने पूंजी के अनुसार लीजिए, मैं 20,000 माना हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि 20,000 ही लीजिए, अगर ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा लीजिए, इसमें आपका ट्रांसपोर्टिंग का क्या होगा
बचत होगा। उसके बाद 5,000 मैं अदर कॉस्ट मान लेता हूँ, ट्रांसपोर्टिंग या कुछ अदर। तो टोटल अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ऑल इन वन में हमारा 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1,20,000 ही लगे, इसमें 10,000 से 15,000 हमारा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि डाई के ऊपर है। कोई लोग डाई 5 लेंगे, कोई लोग 3 ही लेंगे, कोई लोग 4 ही लेंगे, कोई लोग मशीन जो है 85 के जगह 95 वाला लेंगे। तो प्राइस जो है अप डाउन होगा। मैं केवल फार्मूला के तौर पे समझाया हूँ कि ये चीज़ लगेगा। इस मशीन के लिए अगर बिजली की बात की जाए तो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। जगह की बात की जाए तो जगह आप घर के किसी भी जगह रख सकते हैं इसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि बरामदे पे नहीं रहेगा, रूम में नहीं रहेगा, छत पे नहीं रहेगा, सीढ़ी घर में नहीं रहेगा, जहाँ भी जगह है लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, ये रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि इस मशीन को आप मार्केट में 4,00,000 पगड़ी देकर और भाड़े पर रूम लेके रखिए। कम से कम जगह में अपने घर और अपने बरामदे से स्टार्ट कीजिए, तभी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा और सही भी रहेगा। तो ऑल इन वन से ओवरऑल पकड़ लीजिए कि 1,20,000 से लेके 1,30,000 के रेंज में ये मशीन जो है आपका इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रेंक मशीन से कितना लगेगा। तो क्रेंक मशीन में भी मैं बताया हूँ कि 35,000 से लेकर के और 60,000 तक का अलग अलग मॉडल का मशीन है, जिसमें 14 इंच बेलन चैनल बॉडी में बढ़िया मशीन, जिसमें 13 तक डाई फिट हो जाए, वो आपको 45,000 रुपये की मशीन आएगी। 10,000 इसमें भी मैं डाई मान लेता हूँ और 20,000 का रॉ मटेरियल, अदर कॉस्ट 5,000, यानी टोटल अगर मैं ऐड करूँ तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट आपका सिंगल डाई से जो है लग जाएगा। वही अगर इसमें जगह की बात की जाए तो सेम जगह इसमें भी चाहिए 10x10 का, और इलेक्ट्रिसिटी सिंगल फेज चाहिए, जिसमें घर में जो पानी वाला मोटर चलता है उसी तरीके का जो है इसमें मोटर लगा हुआ रहता है 1 HP का। तो कोई खास इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो कमर्शियल होना चाहिए। आपका जो है ये एक बिजनेस के तौर पे, एक व्यवसाय के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिससे आप कुछ रुपए कमाने के लिए या व्यवसाय के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे वो कमर्शियल होना चाहिए। इसीलिए आपको कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ गए। आप लोगों का सवाल हुआ कि भाई ये मशीन हम कहाँ जाके देख सकते हैं, कहाँ जो है चलता हुआ देख सकते हैं। इसके लिए आप आ सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज मुजफ्फरपुर बिहार में है। जो अगर आप पटना से बस पकड़ते हैं और बस वाले को बोलते हैं कि हमें चंद्रहटी चौक उतरना है हाजीपुर से आगे, तो एकदम कृष्णा इंटरप्राइजेज के आपके जो है दरवाजे पे उतार देगा बस, और वहाँ से फिर आपको पटना आने का बस मिल जाएगा। क्योंकि औरंगाबाद और गया जैसे शहरों के लिए पटना से मुजफ्फरपुर आना बहुत ही आसान होता है। तो वहाँ आने के बाद आप अगर वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ मशीन दिए हैं वहाँ हम जाके चलता हुआ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। वही अगर इसके फैक्ट्री में जहाँ मशीन बनाई जाती है वहाँ जाइएगा, तो वहाँ क्रेंक मॉडल की हर मशीन बनाई जाती है, हाइड्रोलिक ऑल इन वन की हर मॉडल बनाई जाती है, और पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने वाला भी आपको हर मॉडल वहाँ आसानी रूप से देखने को मिल जाएगा। खास बात यह है कि कृष्णा इंटरप्राइजेज का रॉ मटेरियल का गोडाउन है, और जहाँ पे ये रॉ मटेरियल की मशीनें भेजी है आपके गया जैसे शहरों के लिए या औरंगाबाद जैसे शहरों के लिए, तो आपको रॉ मटेरियल नज़दीकी से भी कंसल्ट कराया जाएगा। अब आपका सवाल हुआ कि भाई यहाँ से मशीन मटेरियल ख़रीद लेंगे तो जो है हमें एक टेक्नीशियन कैसे प्रोवाइड होगा। तो देखिए, आपको मशीन के साथ एक टेक्नीशियन जाएगा जिसका कोई भी आपको खर्च नहीं देना है, फ्री में जाके वो आपके यहाँ रह के मशीन को चलाना सिखाएगा और मशीन को फुल इंस्टॉल करेगा। क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज लोग बाहर से भी मशीन परचेज कर लेते हैं तो उनके यहाँ टेक्नीशियन भेजा जाता है, लेकिन जब कृष्णा इंटरप्राइजेज से ही मशीन जाए तब तो आपको उसके लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर ट्रेनिंग पहले चाहिए तो वहाँ डेमो सेशन में मशीन लगा हुआ रहता है, उस मशीन को आप चला के देख के समझ के ले सकते हैं, और साथ में तो टेक्नीशियन
आएगा ही। तो दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, किस किस जगह से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा हमेशा से रहता है कि हर चीज़ों को जांच परख कर ही आप जो है मशीन परचेज कीजिए, मटेरियल परचेज कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और आप किस शहर से हैं, आपको किस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।